जनरली जो यंग आदमी होता है उसको यदि धीरे धीरे पेशाब होता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कॉमन कारण ये है कि पेशाब का रास्ता कहीं न कहीं सिकुड़ा हुआ है, पेनिस तो लंबा होता है, पेशाब की थैली के नीचे से प्रोस्टेट की तरफ से गुजरते हुए पेनिस और अंत में जाके सामने मूत्र नली ख़त्म होती है जहाँ से पेशाब आदमी करता है। तो ये पूरी लंबाई में कहीं भी सिकुड़ाहट हो जा सकती है। सिकुड़ाहट होगी तो बहुत सिंपल है, अरे भाई फिजिक्स में पानी का बहाव जो होगा जितने पतले रास्ते से होगा उतना पतला पेशाब होगा। अब है कि पतला रास्ता जो होता है वो क्यों होता है, तो दो कारण ज़्यादातर हैं, या तो पोस्ट इन्फेक्टिव, अब इसको इन्फेक्शन बार बार पेशाब के रास्ते में हुआ हो, पहले गनोरिया वगैरह टाइप की बीमारी हुई हो तो उसके चलते हुआ हो, या पेशाब आजकल पेशाब के रास्ते में चोट ज़्यादा है, जैसे यंग आदमी है साइकिल से जा रहा है और उसको पेरिनियम में मैंने पेशाब के मैंने जिसको रास्ते के जड़ में पेनिस के जड़ में किसी कारण से चोट लग गया, गिर गया, वहाँ चोट लग गई, या कोई भी कुछ इस तरह का हुआ तो पोस्ट ट्रॉमेटिक जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर होता है उसको ना पता है कि कभी चोट लगी ना उसको कोई बीमारी है, पेशाब धीरे धीरे हो रहा है, जब जांच कराने आया तो देखा अरे भाई इसको तो पेशाब का रास्ता सिकुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसको हम लोग कहते हैं माने बिना कारण हमें पता नहीं है फिर भी स्ट्रक्चर उसको है। तो एक तो स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड में एक बीमारी होती है बेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ऑब्लिटरेंस। इसमें होता क्या है कि पेनिस का अग्रभाग सफ़ेद हो जाता है, जिसको ल्यूकोडर्मा जिसे होता है उस तरह का विटिलिगो उसमें सफ़ेद हो जाता है, डिपिगमेंटेड हो जाता है, और पेनिस का माने पेशाब के रास्ते का अग्रभाग जो है सिकुड़ जाता है, तो उसके वजह से पतला पेशाब होता है। और जब वहाँ सिकुड़ता है तो पीछे भी पेशाब के रास्ते में कहीं पर भी सिकुड़ाहट हो सकती है, वहाँ है फिर उसके पीछे है, उसके पीछे है, उसके पीछे है। तो ये ज़ीरोटिका ऑब्लिटरेंस जो है बेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ऑब्लिटरेंस ये बहुत ही वाहियात बीमारी है, ये हो जाए इसका कारण हमको पता नहीं है। हम बहुत रिसर्च हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन में ये वायरस वगैरह का ही होता है जिसके वजह से हो जाता है, और जब होता है तो पूरा पेशाब की नली को ख़राब कर देता है और बहुत परेशानी होती है हम लोग को इलाज करने में भी। इसका इलाज जो है वो वहाँ पर यूरेथ्रोप्लास्टी करके ही होता है, रिप्लेस करना पड़ता है पेशाब की नली को मुंह की झिल्ली से और या और कई जगहों से ये लेकर के झिल्ली लेकर के रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये बेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ऑब्लिटरेंस बहुत दिन तक लोग इग्नोर भी करते हैं, उनको पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसा जब उनको नज़र आवे कि भाई पेशाब का मुंह एकदम छोट हो गया है, साथ में उजला हो गया है, चमड़ा ऊपर सामने का सट गया है वो भी शायद उजला हो गया है, तो डॉक्टर से और पेशाब तो ज़रूर मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ ये हो गई कि यंग एज में भी पेशाब के रास्ते पेशाब की थैली और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में जो ब्लैडर नेक होता है वो खुलता नहीं है। जैसे एक प्रेग्नेंट औरत का बच्चा होता है तो क्या होता है, जब यूटरस बच्चेदानी कंट्रैक्ट करता है तो सामने का मुंह खुल जाता है और बच्चा निकल जाता है। कोई कोई औरत का ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, ये सिकुड़ेगा लेकिन ये मुंह खुल भी नहीं करेगा, तो ये बीमारी जो होती है तब उसमें सीजरियन वगैरह करना पड़ता है। अब उसी तरह से इमेजिन करो कि मर्दों में भी पेशाब जो है कि थैली सिकुड़ रही है तो उसके साथ मुंह खुलना चाहिए ना, तब ना पेशाब निकलेगा, और पेशाब की थैली सिकुड़ रही है और मुँह खुलिए नहीं रहा है, इसको कहते हैं डेट्रूजर स्फिंक्टर डिससिनर्जिया, एक बीमारी है। ये बहुत कम होती है लेकिन जिसको होती है एकदम यंग एज का आदमी होता है
उसको हो जाता है बीमार, हो जाती है बीमारी, तो उसको बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, दवा से भी आराम नहीं होता है, तो फिर ऑपरेशन उसका करना पड़ता है। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, वो लंबी कहानी है, वो नहीं जाता हूँ, लेकिन उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कहेगा कह रहे स्ट्रिक्चर तो है ये नहीं है, तो यो ये इतना जवान आदमी है, इसका पेशाब का इतना पतला होता है, तो ये कारण इसका होता है। तो तीन चीज़ें बताई हमने, स्ट्रिक्चर बताया, ब्लेनाटी जेरोटिका ऑब्लिट्रेंस बताया, और ब्लैडर नेक खुलता नहीं है जब पेशाब करता है, तो तीन कॉमन चीज़ें हुई।